लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पणों के माध्यम से जनता को सौगातें दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनसभा को संबोधित किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज जिनका यहां पर भूमि पूजन हुआ है उन योजनाओं से कार्यालय है, प्रशिक्षण का कार्यालय है, यहां पर संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था अब वो हमारे यहां पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी।